थैंक और इसके अलावा कोई सवाल किसी के दिमाग में कोई है? हेलो सर। या सोनाली अडवाणी इज दैट? हाँ सर, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको लास्ट मंथ उसको शुगर हुई है। वो 3 टाइम इंसुलिन लेता है, ये मेरा बेटा बैठा है, लेकिन वो 3 बार मैं उसको इंसुलिन देती हूँ सर, लेकिन कम नहीं होता है तभी भी। अच्छा, तो सोनाली जी, आप हमारे 6 जून वाले जो हमारा टॉक था गेटी में, उसमें थे आप? नहीं सर, मुझे आज ही पता चला है, मतलब 2 दिन पहले तभी मैंने डाउनलोड किया। लेकिन जो आप चार्ट बताते हो ना, मैं उसको वो देती हूँ, सवेरे फ्रूट्स सैलेड ये सब देती हूँ उसको। तो ऐसा कीजिए कि वो देते हुए ब्लड शुगर कितना आ रहा है वो एक बार नोट कीजिए, फास्टिंग का किया, और ऐसे 3 दिन का कीजिए फास्टिंग, और लंच के 2 घंटे बाद, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, और रात को 3 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। ये जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग लेके आपने अभी नंबर नोट किया होगा, जो नंबर हाँ, 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 नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये रीडिंग है, ठीक है ना। हाँ, और साथ में जो जो चीज खाया बच्चे ने उस दिन, जो आपने DIP डाइट के अनुसार खिलाया, उसकी फोटो क्लिक कीजिए। ठीक है सर। सर वो जो खिलाने के बाद फिर उसको शाम को भूख लगती है, मैं उसको फिर कुछ नहीं दे सकती हूँ? नहीं, खिलाना है बच्चे को, तो जितना खाएगा उतना अच्छा है, लेकिन खिलाने, लेकिन 400 शुगर हो जाती है, 500 400। अभी मैंने उसको की फ्रूट खा के, उसने 2 घंटे के बाद मैंने उसकी शुगर टेस्ट की, 300 थी सर, 280। अभी छोटे बच्चों के लिए क्या है कि फ्रूट खाने से पहले आप कल ऐसा कीजिए, फ्रूट खाएगा ना बच्चा सुबह, उससे पहले 150 ग्राम 150 ग्राम रॉ वेजिटेबल, टमाटर और खीरा खिला दीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद फ्रूट खिलाइए जितना खाना चाहे, पहली बात। दूसरी बात, लंच में आप सलाद देते होंगे अकॉर्डिंग, है ना? उससे पहले बच्चे का वेट कितना है, 20 kg, 30-35 है ना, तो 35 ग्राम्स, यानी कि इतना सारा पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, करी पत्ता, 3-4 तरह के पत्ते जो बच्चा खा ले, 35 ग्राम ले लीजिए, वो बच्चा पहले चबा चबा के खाएगा, लंच से पहले भी, डिनर से पहले भी। एक बात याद रखिए, जो पत्ते हैं वो इंसुलिन का काम करते हैं, पत्ते इंसुलिन का काम करते हैं। कितना पत्ता, जितना बच्चे का वेट है, राइट। 35 ग्राम्स इन पत्ते अगर खा लेगा, उसके बाद सलाद खाएगा, उसके बाद वो जो खाना खाएगा, और तो फिर ब्लड शुगर नहीं स्पाइक होगा। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी और आखिरी बात, बच्चे को जब रोटी देंगे, अगर रोटी देते हैं आप? हाँ सर। अगर तो रोटी देते हैं तो याद रखिए, बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है गेहूं, 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 चना, रागी, बाजरा, बाकी चीजों को मिला के तब रोटी बनाए और वो रोटी दें, तो उससे शुगर कम बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये तीनों बदलाव कल करके, फिर ब्लड शुगर चेक करके, और कितना कितना इंसुलिन दे रहे हैं वो पूरा चार्ट बना के एक बार अगर दे देंगे, तो उसको बेस रख के तो मैं आगे और एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। सर लेकिन इसकी मैं जब भी नॉर्मल भी कर रहती है ना, अभी मैंने उसको फ्रूट्स भी दिया ना, कल उसकी नॉर्मल आई 160 आई, फ्रूट सब देने के बाद आज उसकी 280 आई, और शाम को अगर कुछ खाएगा ना तो 400 500 ऐसे हो जाती है उसकी, और स्वीट में कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं समझ गया, लेकिन आप कल जब सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मैंने बोला है वैसे ही करके देंगे, तो मैं कुछ उसका एक कंक्लूजन नहीं दे पाऊंगा। ऐसे बीच में ये खा सकता है ना सर, मतलब कुछ भी इसको भूख लगे तो? कुछ भी नहीं खा सकता है, वो DIP डाइट अगर आपने समझा होगा, अगर अगर नहीं समझा तो आप 6 जून का गेटी में जाके, वो वीडियो अभी भी सेव्ड होगा फेसबुक में, वो एक बार देख लीजिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो तो खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, पीनट्स, आलमंड्स, कैशोनट्स, स्प्राउट्स हैं, ये सारा चीज ढेर सारा दे सकते हैं, जब मर्जी दे सकते हैं, जितना मर्जी दे सकते हैं, इसकी कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जब भी बच्चे को भूख लगे, भूख लगने से पहले इतना सारा नट्स दे दो बच्चे को, स्प्राउट्स दे दो, फल ढेर सारा दो, वेजिटेबल्स ढेर सारा दो, कच्चा सब्जी, कच्ची सब्जी। तो बच्चे के खाने को लिमिट नहीं करना है, काइंड ऑफ फूड को लिमिट करना है, किस प्रकार का भोजन करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिमिट करना, ना कि क्वांटिटी को लिमिट करना। फ्रूट्स की कोई लिमिटेशन नहीं, कच्ची सब्जी कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। और स्प्राउट्स है, नट्स है, कोकोनट वाटर है, कोकोनट है, डेट्स है, डेट्स मतलब मान लो मीठा खाना चाहता है तो, हाँ, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डेट सारा देना है, और जब मर्जी देना है, जब बच्चा खाना चाहे तब देना है।
राइट, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फूड है, पैक्ड फूड है, जैसे रिफाइंड फूड है, बिस्किट ब्रेड वगैरह, वो सब चीज जीरो जीरो बिल्कुल नहीं इसमें। ठीक है, हाँ तो ये ठीक। एक मोटा मोटा प्रिंसिपल है, लेकिन एब्सोल्युटली क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों हो रहा है, छोटे बच्चा ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए कल मैंने बोला कि जैसे मैंने बताया वैसा आप एक बार बना के आप देंगे तो उसको देख के आई कैन कम टू सम कंक्लूजन, तो मैं आपको गाइड करता हूँ।